एक व्हाइट पेपर शीट पर ए बी लिखकर सीधी लाइन खींच लेना है। अब इस साइज में कटे हुए पेपर को नीचे रखकर सिर्फ ए लाइन पर ग्लू लगाना है। वो ध्यान रहे बी लाइन पर ग्लू नहीं लगाना है। अब दूसरे पेपर को इसके ऊपर रखकर इस बार सिर्फ बी लाइन पर ग्लू लगाना है। इसी तरह आपको एक बार ए और एक बार बी पर ग्लू लगाते हुए टोटल 40 पेपर को यूज करना है। इस काम में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक आप प्लीज एक लाइक कर दो। अब इस आधे कटे हुए सर्कल साइज के पेपर पर ग्लू लगाकर इसको चिपका देना है। आखिरी में एक्स्ट्रा बचे पेपर को कैंची से काटकर हटा देते हैं और इस पेपर को चिपकाकर इसे क्लोज कर देते हैं। अलग अलग कलर्स के पेपर यूज करके आप कुछ इस तरह की सुंदर सुंदर चीजें अपने घर के लिए बना सकते हो।